18 प्लस को तो किसी ना किसी तरह अगले कुछ महीनों में वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन नए नए वेरिएंट्स और बच्चों में बढ़ते संक्रमण को लेकर अब पेरेंट्स में अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। फाइजर की वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन हो गई है। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले ये वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। फाइजर बायो एनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों को लगाने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। फाइजर की वैक्सीन के ट्रायल्स जनवरी से मार्च तक हुए हैं। इसकी इफेक्टिवनेस 100% साबित हुई है। अमेरिका में ही फाइजर के अलावा मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के भी बच्चों में ट्रायल्स किए जा रहे हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रायल्स के नतीजे जून में आने की उम्मीद है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के नतीजे उसके बाद आएंगे, यानी साल के अंत तक दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भी 12 से 17 साल के आयु वर्ग के 3000 किशोरों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। नोवावैक्स की वैक्सीन को अब तक किसी भी देश में मंजूरी नहीं मिली है। इसमें शामिल हो रहे बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने फिलहाल 16 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन पर निर्भर है। बच्चों को लेकर अब चिंता बढ़ रही है। ऐसे में फाइजर की वैक्सीन को कब तक इजाजत मिलेगी? फाइजर ने 13 अप्रैल को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर USFDA से वैक्सीन का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत में फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल के आयु वर्ग वाले बच्चों पर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। USFDA के अधिकारियों की अगले हफ्ते की मीटिंग में फाइजर की जो वैक्सीन है उस पर फैसला होना है, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वैक्सीन को बच्चों को कैसे और कब लगाया जाए। USFDA की एक प्रवक्ता ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है कि हम जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ फाइजर के अनुरोध की समीक्षा करेंगे। फिलहाल फाइजर की वैक्सीन 16 साल से ज्यादा आयु समूह वालों को ही लग रही है। अब जानिए कि बच्चों पर कितनी इफेक्टिव है फाइजर की ये वैक्सीन। 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर कोरोना वायरस को रोकने में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको और भी मजबूती मिलेगी। फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल के उम्र के 2260 बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया है। 31 मार्च 2021 को घोषित नतीजों के मुताबिक ये वैक्सीन इस आयु समूह पर 100% इफेक्टिव साबित हुई है। इसका मतलब है कि जिन्हें ये वैक्सीन लगी उनमें से कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। ट्रायल्स में 18 बच्चे कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, पर वो सभी प्लेसिबो ग्रुप के थे। वैक्सीन ग्रुप का उसमें एक भी बच्चा नहीं था। इसके बाद भी ट्रायल्स में शामिल बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी, ताकि उनके शरीर पर वैक्सीन के दूरगामी असर को भी समझा जा सके। कंपनी का कहना है कि बच्चों को जल्द से जल्द फिर से स्कूल भेजना जरूरी है, ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सकें, दोस्तों और परिवारों के साथ खेल सकें। इसी के साथ साथ फाइजर ने मार्च में 6 महीने से 11 साल तक के छोटे बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन ट्रायल्स के शुरुआती नतीजे गर्मियों के अंत तक मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि भारत में बच्चों की वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी? इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। भारत बायोटेक ने फरवरी में बच्चों को कोवैक्सीन ट्रायल में शामिल करने का आवेदन दिया था, पर ड्रग रेगुलेटर ने ये कहकर आवेदन खारिज कर दिया था कि पहले वयस्कों पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस साबित करो। इसके बाद मार्च में कहा गया कि भारत बायोटेक जल्द ही बच्चों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर सकता है। हालांकि पिछले महीने ही भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल्स के दूसरे अंतरिम नतीजे जारी किए और कहा कि उसकी वैक्सीन 78% तक इफेक्टिव है। इन नतीजों के आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल करने की अनुमति जल्द मिल जाएगी। इसके बाद ही भारत में बच्चों के बीच इस वैक्सीन का ट्रायल हो सकेगा। पिछले महीने भारत सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला किया है। इसके तहत फाइजर मॉडर्ना के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होने के आसार हैं। अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी तो प्राइवेट मार्केट में आने वाली विदेशी वैक्सीन को देश में बच्चों को लगाने की इजाज़त दी जाती है या नहीं, ये भी देखना होगा। ऐसे ही और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।